लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और अंधेरे और रोशनी बनाई, फिर भी काफिर दूसरी हस्तियों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहराते हैं। वही तो है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर मरने का एक वक्त मुकर्रर कर दिया और एक मुद्दत उसके हां और मुकर्रर है, फिर भी तुम्हें काफिरों इस बारे में शक करते हो। और आसमान और जमीन में वही अल्लाह तो है, वो तुम्हारी पोशीदा और जाहिर सब बातें जानता है और तुम जो काम करते हो वो सबसे वाकिफ। निशानियों में से कोई निशानी इन लोगों के पास नहीं आती मगर ये उससे मुंह फेर लेते हैं। जब इनके पास हक आया तो उसको भी इन्होंने झुटला दिया, सो इनको उन चीजों का जिनके पांव मुल्क में ऐसे जमा दिए थे कि तुम्हारे पांव भी ऐसे नहीं जमाए, और उन पर आसमान से लगातार मेह बरसाया और नहरें बना दी जो उनके मकानों के नीचे बह रही थीं, फिर उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर दिया और उनके बाद कागज में लिखी हुई कोई तहरीर नाजिल करते और ये उसे अपने हाथों से टटोल भी लेते तो जो काफिर हैं वो यही कह देते कि ये तो साफ साफ जादू है, और कहते हैं कि इन पैगंबर पर फरिश्ता क्यों नाजिल ना हुआ जो इनकी तस्दीक करता, और अगर हम फरिश्ता नाजिल करते तो काम ही फैसल हो जाता, फिर इन्हें मोलक भी ना दी जाती। नीज अगर हम किसी फरिश्ते को भेजते तो उसे मर्द की सूरत में ही भेजते, और जो शुबा ये अब करते हैं उसी शुबे में इन्हें डाल देते। पैगंबरों के साथ हंसी होती रही है, फिर जो लोग उनसे हंसी किया करते थे उनको हंसी करने की सजा ने आ घेरा।